बारहो महीना है मैया, बारहो छठी माता, बारहो दिना पूजा होला सूरज के, एक लोट जलवाए बेटा तूला सीहो गंगा जी सन्हारों में से। नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। चैती छठ की शुरुआत हो चुकी है, महापर्व है बिहार का, साथ में आज नहाई खाई है, कल खरना है, परसों शाम का अर्घ और तरसों सुबह का अर्घ होगा और बाजार पूरी तरीके से सज चुका है, आपको दिख रहा होगा चूल्हा लकड़ियां है। जो छठ का प्रसाद होता है ज्यादातर लोग चूल्हे पे बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत शुद्ध माना जाता है, चूल्हा गोबर से बनता है, गोबर और मिट्टी का मिलन है और बहुत शुद्ध तरीके से प्रसाद बनता है। ये दुकानदार है, इनसे जुड़ते हैं, कितना पैसा लगता है इसमें बनाने में? बहुत पैसा लग जाता है। फिर भी कितना लगता? लग जाता है 10,000 लग जाता है, ट्रैक्टर से माल मिट्टी आता है। अब तो लोग गैस पे भी बना लेते हैं। हाँ, गैसों पर बन जाता है। दिक्कत होती है, पहले से बिक्री कम हो गई? बहुत कम बिक्री है। कितना दाम रखी है? 200 रुपये चूल्हा, 200 के जोड़ा चूल्हा है। 200 का जोड़ा चूल्हा। हाँ। ऐसे अगर किसी को सिंगल लेना हो तो 80 रुपया देता है, 100 रुपया देता है, 90 रुपया देता है। एक बार में कितनी कमाई होती है? बिक्री के ऊपर हो जाता है, बच जाता है 1,500 रुपया, 300 रुपया जैसा बिक्री है। इतना बड़ा पर्व है बिहार के लिए, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और ये सब लकड़ियाँ भी चूल्हे के लिए होंगी? नहीं, लकड़ियाँ नहीं है, तोड़ने के खरीद के लाते हैं। खरीद के मतलब ये भी छठ में यूज होता है? हाँ, लूज होता है, खरीद के लाते हैं। कहाँ से आए हैं? कमला नेहरू नगर रहते हैं। आप देख सकते हैं लकड़ियाँ है, चूल्हा है, बिना चूल्हे के तो बिना लकड़ियों के तो चूल्हा जलेगा नहीं, तो चाची ने चूल्हा के साथ लकड़ियाँ भी रखी है और एक चूल्हे का दाम 80 रुपए बता रही, और अगर जोड़ा लेते हैं तो उसी हिसाब से लगाएंगी। छठ जो है बिहार वासियों के लिए बहुत ही उत्सुकता वाला पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पर्व लोग। चैती छठ जो है गर्मी में आता है तो लोगों को तकलीफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि दिवाली के समय जो छठ आता है उसमें मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो प्यास कम लगती है, पर आसान हो जाता है। लेकिन जो चैती छठ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हा पूरा है, ये बंद हो गया था घाट वाट पे जाना, इस बार घाट पे जाना अलाउ कर दिया है, कितना खुशी है हमको? बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। बारहो महीना है मैया, बारहो छठी माता, बारहो दिना पूजा होला सूरज के, एक लोट जलवाए बेटा तूला सीहो गंगा जी सन्हारों में से। चुपो में लेके आदमी जाता है सूर्य बाबा भी, तो हम ही कहते हैं एक लोट सी जी में डा, जब जल जल जाता है तो वहाँ से बेटा लोटा में पानी लाता है, तो लोग कहता है उगे के ता उगे है दीना नाथा, बड़े साहेब के आगाना, अरे उगे के ता उगी है चांदा, मालिक जी के आगाना। लोग गाते हैं बेटा, हम जब उधर से जब जाए लगते हैं इधर से तो कहते हैं हम पटने के गा देते हैं, काहे ना कहो के कहेंगे, गया जिला के कहेंगे, पटनों के कहेंगे, कहे ना जलवाली है कानिया, जलवाली है गाया गाया से, ले लिया छोटे से लोटनी में, चाहे लड़की ली चाहे बाबू ऐसन में। इतना खुश है जब घर पर जाते हैं तो आदमी कहता है कि दुनिया के खुशी तुम्हीं के मिलल है, हम कि हाँ मिला।
लेकिन चाची ये वाला चैती छठ में जो गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो तकलीफ ज्यादा होती है। हम ही कहते हैं ना, दिन रात के उपास लतीरियावा जालावा हो बीचे खाक, जालावा हो बीचे खाक, दतुअनिया लेके दौगली दारोगा एस पी डी एस पी प्रोफेसर इंजीनियर। छठ पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और बाजार में इसकी रौनक दिख रही होगी। आप यहाँ पे देखिए, आपको डलिया और सूप दिखेगा। छठ पर्व में इन सब चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे लोग हैं जो बनाते हैं। कैसा चल रहा है आंटी काम, कैसा चल रहा है दुकानदारी? दुकानदारी छठ में नहीं चलता है, नहीं बहुत कम चलता है, टापा टोइया। बिक्री हुआ छठ है, बिक्री नहीं है, इसमें नहीं चलता है उतना। ही देहात का पर्व है, देहात में अनाज पानी रहता है, वहाँ बहुत होता है, रबी अभी उपजा। लेकिन पटना में है कि महंगाई के ऊपर बहुत कम होता है, यहाँ बहुत कम हो गया, बहुत कम। तो आप यहाँ देखिए, सूप है, डलिया है, इसमें फल भराता है, साथ ही दीपक है जो सूरज भगवान के आरती के लिए होता है। सब आपको मिट्टी के सारे सामान दिखेंगे। पूरे बाजार में छठ की रौनक हो चुकी है और लोग धूमधाम से छठ के लिए सामग्रियां खरीद रहे हैं। आज पहला दिन है, नहाई खाई है, आज प्रसाद बनेगा, इसलिए बाजार में चूल्हे बिक रहे हैं, लकड़ी बिक रही है, और ये सब डलिया जो सूप है सब प्रसाद ले जाने के लिए यूज होगा। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। में स्नेहा गुप्ता आपसे हाथ लेती हूँ और छठ पर्व की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।